सुबह सुबह कॉफी का मजा सिर्फ एक कॉफी पीने वाला ही जानता है। बहुत डिमांड आ रही है दोस्तों के जवान के टीजर का रिव्यू दें। SRK बाबू दीपिका पादुकोण का स्पेशल अपीयरेंस वो क्यों डाला गया है आप सब जानते हैं। नयनतारा साउथ की विजय सेतुपति यही नाम है ना। तो भैया जवान का एक 2.25 मिनट के करीब का टीजर आया है और बड़ाऊ शाहरुख खान उसमें टकले भी बन के दिखा रहे अपनी एक लुक को। एक 1960 के ज़माने के किसी गाने पे नाच भी रहे ट्रेन के अंदर और ऐसा कुछ शो कर रहे हैं कि नेगेटिव किरदार में हैं। साउथ के डायरेक्टर एटली को लगता है अकल नहीं है कि भैया ये साउथ नहीं है, ये बॉलीवुड है और यहाँ की ऑडियंस कुछ हो रही है। जो टच वो देना चाहते हैं वो साउथ की फिल्मों से इत्तेफाक खाता है, बॉलीवुड की फिल्मों से नहीं। पठान के तुक्के के बाद तुक्के की जगह भैया बजरंग दल RSS वालों की मेहरबानी से 1000 करोड़ क्लब के में पहुंची पठान, जिसमें दीपिका शाहरुख जॉन थे, इसमें नयनतारा थी, विजय सेतुपति था, एटली डायरेक्टर था, SRK था, पर दीपिका का कोई अता पता नहीं था। पर बेशरम रंग गाने ने भैया ऐसा रंग चढ़ाया कि 1000 करोड़ के पार लेगी हमारी दीपू बुढ़ाऊ SRK को। आखिरी फिल्म कौन सी चली थी उससे पहले SRK की, सोचो सोचो, कोई 11-12 साल या 10 साल तो कम से कम। 12 में आई थी, 13 में चेन्नई एक्सप्रेस, कौन थी हीरोइन, दीपिका पादुकोण। बस यही कहानी है हमारे SRK बाबू की। बहुत ही घटिया ट्रेलर, रेड चिलीज की प्रोडक्शन है, खुला पैसा SRK के पास, फिर भी इतनी कंजूसी क्यों की है VFX में हमको समझ नहीं आया भैया। थर्ड क्लास ट्रेलर, उससे भी घटिया VFX, बढ़ाऊ SRK को एक गाने में जवान दिखाने की कोशिश की जा रही है जो कहीं से नहीं लग रहा। लौंडा बन के नाच रहा है, VFX वाला चेहरा है, बट ये पब्लिक है बाबू, सब जानती है। वो 2005-06-07 के ज़माने गए जब नकली 6-पैक की जैकेट पहन के 8-8 पैक्स भी दिखा रहे होते थे। अब भैया सब मालूम है, सबको पता है वो 6-पैक 8-पैक का सूट आता है, नकली चेहरा VFX से दिखा रहे हो, झुर्रियाँ छुपा रहे हो, मनुष्यत छुपा रहे हो बुढ़ापे की। फिल्म को 50 करोड़ की ओपनिंग 100% मिलेगी, बट उसके आगे इस फिल्म का क्या हाल होगा वो हम बताएंगे, क्योंकि 100 करोड़ छूने में भी नानी याद आ जाएगी इस फिल्म को। माय गारंटी, जनता एक बार बेवकूफ़ बनती है, बार बार नहीं। RSS वालों को अकल आ गई है, बजरंग दल को भी अकल आ गई है, वो भी भैया रिवोल्ट नहीं करेंगे। पैसे खिला के भैया इनसे रिवोल्ट करवा लो अपना तो कुछ हो सकता है बाबू, पर फिर से कहता हूँ ये पब्लिक है, ये सब जानती है।